हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के स्टेप्स भी किए, डिवाइसेस की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या था, जिसमें हम कहते हैं लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। लोग किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। लोग खुद ही इनिशिएटिव्स लेते हैं लॉ बनाने के लिए। तो इसकी डिवाइसेस कैसी थी, जैसे रेफरेंडम हो गया। एंड हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, लोग जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको चुनते हैं, उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ मेथड्स थे जिस वजह से हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ प्रिवेल करती है, इन द स्विट्जरलैंड, उसके 5 कैंटन्स में डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। तो आज हम करते हैं इस सेशन में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसके क्या मेरिट्स हैं एंड क्या डीमेरिट्स हैं। इसकी पहले करते हैं हम मेरिट्स। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी। इसमें हम कहते हैं जो सॉवरेंटी है इसमें सभी की सभी सॉवरेंटी किसके पास है, इट लाइज टू द पीपल। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी सॉवरेंटी लोगों के पास होती है। एक्चुअल में लोग हैं डायरेक्टली खुद लोग बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं जो डेमोक्रेसी का पर्पस है, डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली अपनी पावर को खुद यूज कर रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं जो पॉपुलर सॉवरेंटी है उसके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जी किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। नंबर टू, बेस्ट मेथड टू नो पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग कौन सा लॉ बनाना चाहते हैं। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये तो सबसे बेस्ट मीन है टू नो द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनाए जाएंगे तो लोग रेवोल्यूशन कर देंगे। लोगों के अंगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। लॉ ऐसे बनाने चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर हो, जो वो चाहती हो वो ही लॉ बनाने चाहिए। एंड जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली आकर वोट देते हैं। लोग डायरेक्टली कहते हैं हमने कौन सी सरकार चुननी है, हमने कौन से लॉ पास करने हैं। तो सभी के सभी राइट किसके पास है, लोगों के पास है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है टू नो द पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द वोटर्स एंड द लेजिस्लेचर। इसमें क्या है, जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है एंड जो वोटर्स है, इनके बिटवीन कौन सा रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। क्योंकि लॉ सिर्फ लेजिस्लेचर में नहीं बनते, लेजिस्लेचर के लॉ वोटर के द्वारा पास किए जाते हैं। वो डायरेक्टली वोट देते हैं कि लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, वोटर्स एंड लेजिस्लेचर इन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। नंबर फोर, पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मुझे जाकर खुद लॉ बनाने हैं तो मुझे पहले पता तो भी होना चाहिए लॉ किसके रिगार्डिंग है, इससे क्या बेनिफिट होगा, इसके मुझको क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है। तो लोगों को क्या मिलती है, पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, जिससे लोगों के पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेनिफिट क्या है, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद लॉ बनाते हैं। नंबर फिफ्थ, लॉज आर बेटर ऑबेड। अगर लॉ में हम खुद बनाएंगे, हम ही लॉ मेकर हैं, तो लॉ को ओबे भी करेंगे। तो लॉ क्या होंगे, अच्छे से ओबे किए जाएंगे, क्योंकि हम खुद ही हैं जो लॉ बनाने वाले हैं। लॉ मेकर इज नॉट द लॉ ब्रीचर। लॉ ब्रेक भी नहीं करेगा, ब्रीच भी नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम लॉ बनाएंगे तो हम अच्छे से ओबे भी करते हैं। इसीलिए लोग इसमें रेवोल्यूशन भी नहीं करते और लॉ को अच्छे से मानते हैं। नेक्स्ट इज चेक ओवर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल किया जाता है लोगों के द्वारा। पीपल कंट्रोल सबसे सुप्रीम होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती। वो ही लॉ पास करती है जो लोग चाहते हैं, जो लोग वोट देंगे
वो ही लॉ पास होगा। लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से लॉ पास नहीं कर सकती। जिसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, अगर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए, वो 5 साल तक हमें पूछते नहीं है, हमें याद भी नहीं करते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम भी नहीं करते हैं। अगर हम खुद ही लॉ मेकर होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है हम उनको रिकॉल भी कर सकते हैं एंड हम अपने लोग खुद बनाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, वोटर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो अच्छे लोग बनाते हैं, जिससे जो लेजिस्लेचर है वो करप्ट भी नहीं होती है। इसमें लोगों का वेलफेयर भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इसमें लोगों के इंटरेस्ट को प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं, जो लोग कहेंगे वो ही लॉ बनाए जाएंगे। अगर आपको राइट ही नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाइए, तो लॉ बनाने वाला, पास करने वाले कौन है, लोग ही तो है, लोग ही तो लॉ पास करेंगे। अगर लोगों ने लॉ पास करना है, इसका मीनिंग क्या है, वो अपने अगेंस्ट लॉ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, जिससे बेनिफिट क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होती है, उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाया जाता। जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक बार हमने सरकार बना ली, उसके बाद क्या होती है, वो सरकार हमारे अगेंस्ट ही लॉ बनाने स्टार्ट कर देती है, हमारे फ्रीडम को कम करती जा रही है, हमारे राइट्स हैं उनको कम कर रही है और अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रही है। लोगों के अगेंस्ट लॉ बनाए जाते हैं, लैंड एक्विजिशन बिल लगा लो, या फिर लोगों के फार्म बिल लगा लो, उनके अगेंस्ट बहुत स्टेप ले रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी फेवर के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज की फेवर के लिए वो अपने सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रही है, आम लोगों का वेलफेयर डिटोरिएट हो रहा है, इसके लिए उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन 5 साल बाद वो पैसे देंगे, इलेक्शन में फिर जीत जाएंगे, जिस वजह से क्या होता है, फिर अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल प्राइम थे, प्राइम है और प्राइम ही रहते हैं। नेक्स्ट इज नो फियर ऑफ रेवोल्यूशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रेवोल्यूशन नहीं होती है। जैसे हम स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, जहां पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग कौन बना रहा है, हम लोग खुद लोग बना रहे हैं। अगर लोग खुद लोग बनाएंगे तो इससे रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट मिनिमाइज द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम डेमोक्रेसी को पार्टीक्रेसी कहते हैं, क्यों, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, यही तो है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी की फेवर की बात करती है, उसके लिए सारे काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ही सबसे सुप्रीम होती हैं, वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग चलती हैं, लोगों का वेलफेयर भी नहीं देखती, अपनी पार्टी को विनर बनाने के लिए हर एक काम करती हैं। इससे बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बैड इफेक्ट्स हैं, जे हम मिनिमाइज कर देते हैं। नाउ डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के, जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसके बहुत से मेरिट्स हैं, लेकिन मेरिट के आगे कभी ना कभी डी तो लग ही जाता है, तो वो बन जाते हैं डीमेरिट्स। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो क्या हैं, फर्स्ट वन इज इट लॉस द प्रेस्टीज ऑफ लेजिस्लेचर। इसकी लेजिस्लेचर है, इसकी प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है, लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से कोई भी लॉ पास ही नहीं कर सकती, उसके लिए लोगों की मंजूरी बहुत जरूरी है। नंबर टू, कॉमन मैन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक लॉस। कभी कभी जो कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन क्या करता है, लॉ बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होती कि वो अच्छे से लॉ बना सके। क्या हर पर्सन इक्वल है, कि उसको पॉलिटिकल नॉलेज है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आम पर्सन भी लॉ बना सकते हैं, क्या इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं? ऑब्वियस है, पब्लिक ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम 4 फ्रेंड्स हैं, अगर एक फ्रेंड ने हमें कहा हमको ये काम करना है, हम 3 भी उसके पीछे लग जाते हैं। इट मीन्स क्या है कि कॉमन मैन खुद अपना माइंड यूज ना करकर लोग जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो सभी के सभी ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो लॉ बना सके। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस इन द वे ऑफ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। हम लेजिस्लेशन को अच्छा मानते हैं, हम कहते हैं जैसे भगवान का घर होता है देश में चलाने के लिए, इसको भी हम ऐसा ही एक दर्जा देते हैं, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें लोगों के भविष्य की उज्जवल होने की, लोगों के बेटर फ्यूचर की, लोगों के वेलफेयर के लिए लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन जी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के रास्ते में एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है।
नंबर फोर एक्सपेंसिव सिस्टम, क्या रेफरेंडम कराना बहुत इजी है? इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, हर एक लोग के लिए हम रेफरेंडम कराएं बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत खर्चा होता है, इसलिए हम कहते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इट इज वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, हर एक कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज कॉजेस डिले इन द पासिंग ऑफ लॉ, अगर लॉ पास करना है इजिली लॉ पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होंगे, रेफरेंडम होगा, वोटिंग देंगे, उसके बाद ही तो लॉ पास होता है। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क कि हम रेफरेंडम हर टाइम कलेक्ट करें, और ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए लॉ पास होने में बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। नेक्स्ट, रेफरेंडम इज नॉट अ साउंड वे टू नो पब्लिक ओपिनियन, जो रेफरेंडम है वो ही तो अकेला पब्लिक ओपिनियन फाइंड आउट करने का साउंड वे तो नहीं है कि हम इससे ही पता कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या होगा। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया है आज के टाइम में, प्रेस है, इससे भी हम पब्लिक ओपिनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ रेफरेंडम से ही पब्लिक ओपिनियन फाइंड आउट करना ये तो सही नहीं है, विच इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इसीलिए हम ये कहते हैं पब्लिक ओपिनियन के और भी वे होते हैं, जैसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज करते हैं, हम वो मीन से भी क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इंडिफरेंटिट्यूड ऑफ द पीपल, इट मींस क्या है, जो लोग हैं उनका एटीट्यूड इनडिफरेंट हो जाता है। अगर हमने फर्स्ट टाइम रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करना है, हम बहुत इनकरेज होंगे, बहुत क्रेजी होंगे, हमको भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी। लेकिन अगर डेली का काम बन जाए, रेफरेंडम हो रहा है, कुछ दिनों बाद रेफरेंडम हो रहा है, क्या पार्टिसिपेट करोगे? नहीं, आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, इन डिफरेंट एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब जो रेफरेंडम है, जो पॉलिटिकल लॉज है, हम डेली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो ये थी डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये थे हमारे मेरिट एंड डीमेरिट, जिसमें हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी तो है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के हर एक लोग के लिए अपनी पार्टिसिपेशन दे, इसीलिए हम आज के टाइम में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही चूज करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जो पार्लियामेंट का काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशरी है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन देती है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही प्रिवेल करती है। तो जी थी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।